छोटे भाई भिड़े, ये रेडियो है टीवी नहीं कि इसको खड़े खड़े देखें। अरे भाई इसको तो सुनना है तब मजा आएगा। सुनाओ भाई रेडियो को सुनाओ। हाँ सुनाता हूँ बिल्कुल सुनाता हूँ। आप सब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि गायक यही इसी रूम में बैठ के गा रहा है। अच्छा तो आवाज की दुनिया के अजीज दोस्तों, प्रस्तुत है मेरे पुराने एंटिक रेडियो की ये सुमधुर आवाज। उसका वजन मेरे पे आया इसलिए मेरा वजन आप पे आया। सॉरी अंकल। अभी तो उसका वजन नहीं है ना तेरे पे भाई। सॉरी। अरे भाई वो हिसाब से तो सबके कान गए क्योंकि किसी को रेडियो की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, नहीं सुनाई दे रही। हाँ, तो ठीक। आवाज बढ़ा भिड़े, आवाज बढ़ा। पोपट अंकल। ओ भाई भिड़े तो आवाज बढ़ा देगा, तुम क्यों आवाज बढ़ा रहे हो? तुम तो धीरे बोलो। सॉरी मेहता, मुझे लगा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना इसलिए बोला। तू ठंड रखो, स्टेशन तो आने दे। सुनाई देगा, देगा। अहो क्यों नहीं चालू हो रहा है, करिए ना कुछ। आवाज तो फुल है। कुछ देर पहले बराबर चल रहा था, मतलब मैं गाने सुन रहा था इस पे, पता नहीं अभी क्या हो गया अचानक। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। तो शांति रख देना। लगा हुआ है स्विच भी ऑन है। कमाल है ये माधुरी, चल क्यों नहीं रहा है? माला का है महेश। बिड़ेर उल्लू बनाया तुझे भंगार वाले ने आज। ओ बिड़ू, ओ गई भैंस पानी में। सॉरी टू से भिड़े, लेकिन 500 रुपए बेकार हो गए मुझे लगता है। कुबे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? इसको तो वापस भंगार वाले को बेचेगा ना तो 50 रुपया भी नहीं मिलेगा। सही बात है। आए बोलते इस पोपटलाल भाई भिड़े, अब ये रेडियो तो रेडियो रहा नहीं, तो इसका इस्तेमाल कुछ मेरे ख्याल से फ्लावर पॉट रखने में या कोई किताबें विताबें रखने में करो, अच्छा रहेगा। या कोई बाढ़ मंदिर का छोटा बच्चा ट्यूशन के लिए आए तो उसके लिए एक छोटा बेंच भी बन सकता है ये रेडियो है? अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा है। टुपकी पापा, ये मस्त आइडिया है। तो क्या है, छोटा बच्चा ऐसे सीधा बैठकर शांति से अपना लेसन कर सकता है। सही बात है। अगर बच्चा और भी तरह नहीं हुआ तो। हाँ वरना छोटे बच्चे आजकल सीधा कहाँ बैठते हैं? उनका सतपत सतपत चलता ही रहता है। ये देखो। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा रेडियो बार बार नहीं मिलता, ये मैं रिपेयर करवा लूंगा। अरे भाई रिपेयरिंग में कम से कम 3-4 हजार घुस जाएंगे तेरे भाई। अरे बाप रे। वैसे भी आत्माराम, पुरानी चीजों के पार्ट से मिलना बहुत मुश्किल है। अय्यर भाई, पुरानी चीजों के पार्ट पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं ऐसा तो नहीं वो भंगार वाले भाई ने रेडियो को बाहर से सजा धजा के भीड़े भाई को पधरा दिया हो? मुझे नहीं लगता ये रेडियो चालू होगा। चलो फिर यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलते हैं। चलो 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 चलो। एक मिनट रुको, अभी 2 मिनट में चालू हो जाएगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ना, चालू हो जाएगा। अरे भाई बेड़े, तू यहाँ है, रेडियो भी यहाँ है, हम लोग भी सब यही है,
तो एक बार रेडियो तेरा चालू हो जाए तो बुला लेना, फिर से आ जाएंगे कल। हाँ बड़े मास्टर, सुबह चाय नाश्ते के साथ सुन लेंगे रेडियो। हाँ जरूर जरूर, कल कल। देखिए आई एम सॉरी, आप सबको तकलीफ हुई, लेकिन ये रेडियो बराबर चल रहा था, पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा है। आई एम सॉरी। हाँ नहीं क्या है भिड़े, तू पूरा दिन सुन रहा था ना, तो पूरा दिन चल चल के बेचारा थक गया होगा, अभी रात को आराम करेगा तो सुबह फ्रेश होकर वापस चलने लगेगा। हो गया सो हो गया भाई, अभी होने को कौन टाल सकता है।